जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। मेरा नाम है आयन अक्कल कोटकर और मैं एक वन्य जीव प्राकृतिकवादी हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ और आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम सीखेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। तो मेरा मानना है कि फोटोग्राफी एक कला है। हम इस कैमरा के जरिए एक पल को कैद करते हैं और उस पल से हम एक कहानी बता सकते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कैमरा होते हैं, चाहे वो एक बड़ा सा DSLR क्यों ना हो या आपके मोबाइल फोन के पीछे जो छोटा सा कैमरा है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें फोटोग्राफी सीखना है तो सबसे पहले हमें हमारे कैमरा का जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो पहले से सेटिंग आता है, उसको समझना जरूरी है। उसे हम कहते हैं ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो पहले से ही हमारे कैमरा के साथ आता है। जब भी आप अपने फोन के कैमरा से फोटोग्राफ लेते हो या ये बड़े कैमरा से भी फोटोग्राफ लेते हो, तो वो कैमरा डिसाइड करता है या कैमरा निर्णय करता है कि आपका एक्सपोजर कैसा रहेगा, आपका शटर स्पीड कैसा रहेगा। तो अगर हमें पूरा कंट्रोल चाहिए कैमरा से कि हम सारे एलिमेंट जो है, जैसे कि शटर स्पीड, ISO, एपर्चर, एक्सपोजर, अगर हमें ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें ऑटो मोड से हटना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर अगर आप देखें तो ऑटो मोड से आप जा सकते हो प्रो मोड में, और कैमरा के अंदर ये मोड को हम कहते हैं मैनुअल मोड। जब आप ये मोड के अंदर शिफ्ट हो जाओगे तो सारे सेटिंग जो है, जो पहले के थे, वो अभी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये मोड में शिफ्ट करिएगा। तो आइए फोटोग्राफी की उन 3 नियमों को पहले समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे फोटोग्राफी में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? हमारे कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो एक फोटोग्राफ को कैद करता है। उस फोटोग्राफ के अंदर हर एक कोने के अंदर जितना लाइट पड़ रहा है उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। हमारे लिए हमारा जो अंतिम गोल है वो है कि वो एक्सपोजर परफेक्ट हो। उसके लिए हमें 3 चीज़ों का पालन करना ज़रूरी है। उसे हम कहते हैं 1 शटर स्पीड, ISO और एपर्चर। इन 3 चीज़ों को समझना और उनको ठीक तरीके से एक साथ यूज़ करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहले समझते हैं कि शटर स्पीड क्या होता है। अगर आपको शटर स्पीड समझना है तो आप अपनी आँखों को समझो, आपकी आँखों के पन्नों को समझो। अभी आप जिस तेज़ी से आप अपने आँखें खोलते हो या बंद करते हो, उसी तरह से हमारा कैमरा भी अपना शटर एक तरीके से, एक स्पीड से आप देख सकते हो, खोलता है और बंद करता है। अभी अगर आपका शटर स्पीड, जो हम कहते हैं, अगर वो बहुत हाई हो तो कैमरा वही शटर को बहुत तेज़ी से बंद करता है और बहुत तेज़ी से खोलता भी है, और अगर आपने उसको स्लो कर दिया या बहुत कम कर दिया तो वो शटर ज़्यादा समय के लिए खुला रहेगा। फोटोग्राफी, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अगर आपको शटर स्पीड समझना है तो जितना आप उसे हाई रख सकते हो, जितना आप नंबर को बढ़ा सकते हो, रखिए, क्योंकि उस तरीके से आपका इमेज ब्लर नहीं आएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं ISO। ISO और कुछ नहीं है पर आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो कितना रिएक्ट करता है लाइट से, उसे हम कहते हैं ISO। अगर आपने ISO को ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका फोटोग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा वाइट दिखेगा, बहुत ब्राइट दिखेगा। तो हमारे लिए ISO को जितना हम कम रख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा शार्प इमेज आपको दे सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं एपर्चर। अभी एपर्चर क्या होता है? आप वापस अपने आँख
इसका आप मिसाल ले सकते हो। आपका आँख जब आप एक अंधेरी जगह से एक बहुत से ब्राइट जगह में जाते हो जहाँ पे बहुत सारा लाइट है, तो आपके आँख वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हमारा एपिचर कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट है जिस जो अलाउ करता है कि कितना सा लाइट कैमरा के अंदर जा रहा है। एपिचर का जो दूसरा फायदा है उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, आप मानो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं पूरे फोकस में हूँ, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है उसे हम थोड़ा धुंधला रहे हैं, थोड़ा ब्लर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मैंने मेरा एपिचर को कम से कम नंबर पे रखा है तो आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है। अगर मैंने अपने एपिचर को बहुत बड़ा दिया तो मैं और मेरा बैकग्राउंड दोनों फोकस में आ सकते हैं। पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर मैंने एपिचर को बहुत बड़ा दिया तो कम से कम लाइट अंदर आ रहा है, तो आपको ये भी कोशिश करना है कि आप अपना एपिचर को कम ही रखें। तो आइए अभी हमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम सीखते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। तो कोई ना कोई, हर कोई एक सब्जेक्ट का फोटोग्राफ ले सकता है, पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फोटोग्राफ नहीं लेना है, हमें उस फोटोग्राफ के जरिए एक कहानी बतानी है, हमें लोगों को दिखाना चाहिए जो कहीं पे भी बैठे हो कि उस मोमेंट में जब हम लोग ने ये फोटोग्राफ कैद किया क्या हो रहा है। उसी के जरिए हम करते हैं कॉम्पोजिशन। अभी आपको ये समझना है कि जहाँ पे ये बिल्ली बैठी है हमें किस तरीके से उसे कैप्चर करना है और ये चीज़ हमें हमारे दर्शकों को दिखाना है। आप देख सकते हो जहाँ पे वो बैठी है वहाँ पे पीछे एक जाली है, वहाँ पे वो जिस दीवार पे बैठी है, जिस पत्थर के ऊपर बैठी है उससे भी अच्छा कलर आ रहा है, उसमें अलग रंग आ रहा है। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ अलग अलग एंगल से कोशिश करें तो बहुत सारे बढ़िया फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। अब ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्ली के साथ उसका पूरा बैकग्राउंड भी फोटोग्राफ में आए। पर अगर मुझे एक पोर्ट्रेट लेना है या मुझे थोड़ा उसका सिर्फ फेस पे फोकस करना है तो मैं थोड़ा सा नज़दीक जा सकता हूँ, कैमरा का थोड़ा जूम बढ़ा सकता हूँ और थोड़ा उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप सब अपने आप को एक कलाकार की तरह मानिएगा और जिस तरीके से आपको फोटोग्राफ लेना है आप ले सकते हो, चाहे आपको उसके अंदर जूम इन करना है या जूम आउट करना है, या आपको सिर्फ उसका चेहरा चाहिए या आपको पूरा बैकग्राउंड भी चाहिए, वो आप पे निर्भर है। तो आप जितना हो सके अलग अलग तरीके के फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश करिए और उस तरीके से आपके पास अलग अलग प्रकार के अच्छे फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दूसरे टाइप के फोटोग्राफी से थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमारे मॉडल्स आप चाहो या हमारे सब्जेक्ट जो चाहो वो हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। हम कभी भी कोई टाइगर या लेपर्ड या कोई भी चिड़िया हो उसे हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप एक जगह पे रुकिए या आप मेरे लिए मुस्कुराइए या आप मेरे लिए भागिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को समझने के लिए और उसको कैप्चर करने के लिए हमारे जो सब्जेक्ट है उनको समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये बढ़िया सा झाड़ है जहाँ पे ये रंग बिरंगे फूल है। तो मेरे पास कोई बड़ा कैमरा है नहीं फिलहाल, ये छोटा कैमरा है या अपना मोबाइल फ़ोन। आप ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ आप करीब से फोटोग्राफ ले सकते हो। अगर आप चाहे तो आप वाइड एंगल, जैसे मैंने कहा था कि वाइड एंगल भी ले सकते हो। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ फोटोग्राफ लेना है जिसमें ये सब बहुत बढ़िया दिखे तो आप पास में जाके इसको ऐसे कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपको ये पूरा फ्रेम भी चाहिए जिसमें ये पूरा झाड़ आ रहा है तो उससे हम थोड़ा पीछे हट के फोटोग्राफ ले सकते हैं। और ऐसे जब शॉट्स लेने हो तो हमारे मोबाइल फ़ोन बड़े काम में आते हैं क्योंकि ये कैमरा के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं और हम इससे भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लेंस और कैमरा पड़े हैं,
कुछ लेंस काफ़ी बड़े हैं, कुछ काफ़ी से छोटे हैं, और हर एक का किधर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर आपने देखा है तो मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल भी रखा है, जिसके अंदर एक कैमरा है, जिसके अंदर दो लेंसेज है, जिसे हम फोटोग्राफी में भी बहुत यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा ये लेंस जो काफ़ी बड़ा है, और अगर आप देख सकते हो तो ये जूम हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी दूरी पे कभी कभी बैठा हो सकता है, जैसे कि अगर हम टाइगर, लेपर्ड, हाथी या कोई चिड़िया का फोटो ले रहे हो, तो वो ज़्यादातर हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते, उस समय ऐसा लेंस बड़े काम में आता है। अगर आप देखो तो ये छोटा लेंस है, इसका क्या फ़ायदा? ये लेंस एक्चुअली हमें एक बहुत सा वाइड फोटोग्राफ देगा, जिसमें हम जूम नहीं करते, जूम आउट करते हैं, जिसमें हमें बड़ा सा फ्रेम मिलता है। और ऐसे लेंस हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें पोर्ट्रेट चाहिए, जब हमें सिर्फ एक उसका मुखौटा चाहिए, जब उसका सिर्फ चेहरे की एक अच्छी तस्वीर चाहिए, तब हम ऐसे लेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी सीखना है और शुरू करना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतने अलग अलग प्रकार के लेंस और कैमरा होना। अगर आप चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फोटोग्राफी सीख सकते हो। आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफ लेना है, कैसे हमें अपना फ्रेम सेलेक्ट करना है, हमें अपना जो सब्जेक्ट है जिसकी हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, जैसे कि चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कोई प्रकार का जानवर हो जो हमें रास्ते पे भी मिलता है, उसे हम कैसा अच्छी तरीके से एक फोटोग्राफ में पेश कर सकते हैं। तो डरिएगा मत, अपने मोबाइल फ़ोन को भी आप ले सकते हो, आप बाहर जाइए, आपको जो भी जानवर मिले, जो आपके घर के नज़दीक हो या अपने स्कूल के नज़दीक हो, आप जाइए और उसका फोटोग्राफ लीजिए। ये सवाल शायद से आपके जहन में काफ़ी बार आया होगा कि सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है, क्या वो ये वाला है या ये वाला है? इसका कोई सही जवाब है नहीं, क्योंकि ये फोटोग्राफी जो है वो एक कला है और कलाकार आप खुद हो। ये जो कैमरा है, चाहे वो एक बड़ा सा लेंस वाला हो या एक छोटा वाला हो या आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो, ये सिर्फ एक जरिया है। दरअसल में जो कलाकार है, जो कला है, वो खुद आप हो। आप इससे भी बेहतरीन फोटोग्राफ्स ले सकते हो, इससे भी बेहतरीन फोटोग्राफ्स ले सकते हो, और अपने मोबाइल फोन से भी आप बेहतरीन लाजवाब फोटोग्राफ्स ले सकते हो। तो आपके पास जो भी कैमरा है उसका इस्तेमाल करिएगा और जितने हो सके फोटोग्राफ्स लो। आप खुद देख पाओगे कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो और आपकी फोटोग्राफ्स और भी बढ़िया आते जाएंगे। तो यही मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है और आपको फोटोग्राफी में अच्छा होना है, तो जितने फोटोग्राफ्स हो सके उतना लो। दोस्तों, फोटोग्राफी के जरिए आप अपना खुद का ज्ञान बढ़ा सकते हो, अलग अलग जानवरों के बारे में, अलग अलग चिड़ियों के बारे में, अलग अलग झाड़ों के बारे में। आप ज़रूर हर चीज़ का फोटोग्राफ लो, और फिर बाद में आप चाहे इंटरनेट के ज़रिए या किताबों के ज़रिए आप सीख सकते हो कि मैंने किस चीज़ की फ़ोटोग्राफ ली, वो किस तरह का जानवर है, वो कौन से रंगों में दिखता है, वो कहाँ कहाँ दिखता है, उसका नाम क्या है। इस ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान पा सकते हो इन सब मुद्दों पे। तो ज़रूर इसके आगे भी आपको सीखने को बहुत मिलेगा। दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में। अब थोड़े चर्चा करते हैं वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जरिए हम ये संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्यों हमें अलग अलग प्रकार के वन्य जीव, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना है। आज हमारी धरती, हमारे वातावरण पे हम इंसानों ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है, पर ये ज़रूरी है कि हमारे ये पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बात समझना कि हमें इन सब चीज़ों का सुरक्षा करना है। तो दोस्तों, आप अपने फोटोग्राफी के ज़रिए थोड़ा आप खुद पढ़ाई कर सकते हो, आप खुद थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, और आप जान सकते हो कि हमें संरक्षण कैसे करना है। दोस्तों, जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है कि हमें एक अच्छा तस्वीर खींचना है, जिससे हम एक संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम बाहर प्रकृति में घूम रहे हैं, हमें उसके साथ मिलजुलना बहुत ज़रूरी है।
और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम किसी, जैसे हम किसी के मेहमान हैं, हम यहाँ पे इस दुनिया के मेहमान हैं, तो हमें कम से कम यहाँ पे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमें यहाँ पे जानवरों के साथ खुशी खुशी काम करना है, पेड़ पौधों के साथ मिलना है, और ये बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमें अपने सब्जेक्ट को थोड़ी दूरी से देखना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप कोई चिड़िया या कोई जानवर के बहुत नज़दीक जाए तो वो ज़्यादातर आपसे डर भी सकता है। अपने आप को काबू में रखना है, ज़्यादा करीब मत जाइए उससे, क्योंकि वो शायद से डर जाएगा या आप डर जाओगे। तो ज़रूर उसको आप जितना प्यार से देखोगे, जितना दूरी से देखोगे, और जितनी अच्छी तरीके से उसको ये एहसास दिलाइए कि उसकी जान खतरे में नहीं है, वो बड़े आराम से बैठेगा, वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा, और आपको उस तरीके से अच्छी फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, बड़ा आसान टास्क है। जो भी आज आपने इस वीडियो के द्वारा सीखा है उसे आपको खुद दोहराना है। तो आप बाहर जाओ अपने कैमरा को लेके और 10 अलग अलग तरीके के फोटोग्राफ लो। वो आप चाहे कोई बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, किसी चीज़ की भी आप तस्वीर खींच सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके इधर कोई आपका सदस्य है जो आपके लिए मदद कर सकता है, उनकी फोटो खींचेगा, और आप अलग अलग तरीके के फ़ोटो खींचेगा। तो आप चाहो तो अलग अलग दूरी से फ़ोटो लो, या अलग अलग आप हाइट से फोटोग्राफ लो, कि आप अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ लो। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम 10 अलग किस्म के फोटोग्राफ होने चाहिए। और आप ये जो हम कहते हैं, जैसे कि एक जर्नल है, जैसे कि आपका कोई फोल्डर है, उनमें ये फोटोग्राफ्स को रखो। इस तरीके से जैसे ही आप और फोटोग्राफ्स लेते जाओगे, आप खुद को एक तरीके से कंपेयर कर पाओगे कि आपने कितना सीखा है और आपकी फोटोग्राफी कितनी अच्छी हुई है। तो ये एक छोटा सा काम है, आप ज़रूर करो, और आप खुद देखोगे कि आप जितने फोटोग्राफ्स लोगे आपकी फोटोग्राफी उतनी बेहतर होते जाएगी। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744, 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे becpcddprogram@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर, गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा, और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।